हे गाइस, तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले आज कौन से डिवाइस को न्यू अपडेट्स देखने के लिए MIUI 12.5 के। इसके अलावा कुछ सिस्टम अपडेट्स है उसके बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा कुछ न्यूज है उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। तो गाइस, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अपडेट्स के बारे में MIUI 12.5 का। तो यहाँ पर सबसे पहले अपडेट देखने को मिला आज इंडिया में Redmi Note 9 Pro Max के लिए। जी हाँ गाइस, आज यहाँ पर इंडिया में Redmi Note 9 Pro Max के लिए फिर से MIUI 12.5 का स्टेबल अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जिसका बिल्ड नंबर है MIUI 12.5.2.0। यहाँ पर अभी भी कुछ यूजर को देखने के लिए मिल रहा है जिनको नहीं मिला था उनको। तो यहाँ पर जिनके पास इंडिया में Redmi Note 9 Pro Max का डिवाइस है, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। आप लोग को ये अपडेट अभी भी शायद देखने के लिए मिला होगा, क्योंकि काफी सारे यूजर को आज ये अपडेट देखने के लिए मिल रहा है। तो कुछ यूजर को गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अपडेट 2.4 GB का देखने मिल रहा है। कुछ यूजर को यहाँ पर लगभग 800 MB के आसपास का अपडेट देखने के लिए मिल रहा है। तो जो भी साइज आप लोग डाउनलोड करके उसको अपडेट कर लेना। और यहाँ पर अगर आपने अपडेट मिस कर दिया तो इसकी जो लिंक्स वगैरह है वो सभी लिंक्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड करा दूँ, वहाँ से आप लोग मैनुअली तरीके से अपडेट कर सकते हो अगर आप लोगों ने अपडेट मिस कर दिया है तो। इसके अलावा गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लेना फ्यूचर में सभी अपडेट्स की लिंक वगैरह पाने के लिए। इसके अलावा गाइज यहाँ पर हम लोग बात करते हैं और कौन से डिवाइस को अपडेट्स देखने के लिए। तो यहाँ Redmi Note 9 Pro का जो यूरोप वर्जन है उसके लिए भी MIUI 12.5 का एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिला है लेटेस्ट बिल्ड नंबर के साथ। इसके अलावा Redmi Note 9 का जो 4G वेरिएंट है उसके लिए चाइना में MIUI 12.5.1.0 का अपडेट देखने मिला है। साथ ही साथ यहां पर Redmi 10 की बात करूं तो Redmi 10 में ग्लोबल साइड में MIUI 12.5.7.0 का अपडेट देखने के लिए मिला है। इसकी लिंक्स दे दी है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग वहां से जाकर अपडेट कर सकते हो अगर आपके पास Redmi 10 का ग्लोबल वेरिएंट है तो। यहां पर जिनके पास Redmi 10 का ग्लोबल वेरिएंट है आप लोग जाकर अपडेट कर सकते हो। इसके साथ साथ MI 11 के लिए चाइना में MIUI 12.5.13.0 का एक न्यू अपडेट देखने मिला। इसके साथ साथ MI 11 Pro Ultra के लिए MIUI 12.5.17.0 का एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिला है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं MI 11 Ultra के लिए यूरोप में स्टेबल अपडेट एक न्यू अपडेट देखने मिला है MIUI 12.5.10.0 का, जो कि पायलट यूजर के लिए देखने के लिए मिला है। तो यहां पर इन्हीं डिवाइस को आज अपडेट्स देखने के लिए मिले, कुछ डिवाइस को कल अपडेट्स देखने के लिए मिले थे। जो अपडेट आए वो मैंने आप लोग को यहां पर बता दिया। अब यहां पर हम लोग बात करें सिस्टम अपडेट्स के बारे में। तो यहाँ पर सिस्टम अपडेट्स की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पैकेज इंस्टॉलर का एक न्यू एप्लीकेशन है। यहाँ पर नाउन बग फिक्स किए गए, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, और यहाँ पर MIUI ग्लोबल पैकेज इंस्टॉलर का एप्लीकेशन है। इसके साथ साथ डायलर और कॉन्टैक्ट्स, जी हाँ, यहाँ पर डायलर और कॉन्टैक्ट का एक न्यू अपडेट देखने को मिल जाए। फिक्स नाउन बग्स, इम्प्रूव्ड ऐप स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया इस ऐप में अपडेट के बाद डायलर एंड कॉन्टैक्ट में। तो यहाँ पर आपको बता दें जिनके डिवाइस में गूगल का डायलर और कॉन्टैक्ट देखने मिलता है तो यहाँ पर उनके डिवाइस में इंस्टॉल नहीं होगा। जिनके पास ऑलरेडी MIUI का डायलर देखने को मिलता है तो आप लोग उसको अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा Xiaomi एप्लीकेशन का एक न्यू अपडेट देखने मिला, आप लोग जाकर उसको अपडेट कर सकते हो, प्ले स्टोर से भी जाकर अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा ऐप वॉल्ट का एक न्यू अपडेट देखने मिला है। लेटेस्ट बिल्ड नंबर अगर मैं अपडेट लॉक की बात करूँ तो वी कीप इम्प्रूविंग एंड ऑप्टिमाइजिंग अवर ऐप टू मेक इट बेटर एंड मोर कन्वीनियंस, काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव किया गया ऐप वर्ल्ड को। तो अगर आप लोग यूज करते हो तो अगर आप लोग अपडेटेड वर्जन यूज करना चाहते हो तो अपडेट कर सकते हैं। इन सभी की एपीके मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप लोग अपडेट कर सकते हो। अब गाइस यहां पर हम बात करते हैं कुछ न्यूज के बारे में। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो पोको X3 NFC और पोको X3 Pro, इनमें एक इश्यूज देखने के लिए मिला आफ्टर न्यू अपडेट के बाद। पोको X3 में MIUI 12.5 और पोको X3 Pro में भी लेटेस्ट बिल्ड नंबर के साथ एक इशू देखने को मिला, जो कि इशू आप लोग यहां पर देख सकते हो। यहां पर टच इशू देखने को मिल रहा है, एक घोस्ट टच टाइप का इशू है वो देखने के लिए मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस देखने के लिए मिल रही है, मतलब टच काफी ज्यादा बेकार है, मतलब परफेक्टली काम नहीं करता, चाहे आपके पास पोको X3 का NFC एडिशन है या फिर पोको X3 Pro का डिवाइस है। या में भी अगर आप लोगों को ये इश्यूज देखने के लिए मिले टच रिलेटेड इशू तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पर स्वाइपिंग इश्यूज भी रिपोर्ट किए गए, यानी कि ये इशू भी यहाँ पर देखने के लिए मिला, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल के लिए इस पर काम चल रहा है, बहुत ही जल्द एक न्यू अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा जो उसमें आप लोग को ये फिक्स होकर देखने के लिए मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। चलो गाइस यहाँ पर Xiaomi की तरफ से एक ऑफिशियल न्यूज निकल के आई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टाइम फॉर Xiaomi प्रीमियम MI सीरीज टू मूव अप द सॉफ्टवेयर अपडेट लैडर विथ 3 Android OS अपडेट, यानी कि Xiaomi ने अपनी पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पर ये ऑफिशियल न्यूज है, यहाँ पर जितनी भी प्रीमियम सीरीज है MI सीरीज की, जितने भी Xiaomi के MI सीरीज के जो डिवाइस है, जो प्रीमियम डिवाइस है, उनमें अब यहाँ पर 3 Android OS अपडेट देखने के लिए मिलने वाले। पहले इससे पहले कम देखने के मिलते थे, अब यहाँ पर 3 Android OS देखने के लिए मिलने वाले। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि आप लोग को और भी एक न्यू Android OS प्रोवाइड किया जाने वाला है, मतलब यहाँ पर आपको टोटल 3 Android OS देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो आप लोग देख
देख सकते हो जो अभी हाल ही में अनाउंस किया गया था, लेटेस्ट डिवाइस लॉन्च किया गया था Xiaomi 11 Lite एनी 5G, इसमें भी ये आपको 3 अपडेट्स देखने के लिए मिलेंगे एंड्रॉयड ओएस के। तो काफ़ी अच्छी बात है, मतलब 3 ईयर्स ऑफ एंड्रॉयड अपग्रेड एंड 4 ईयर्स ऑफ सिक्योरिटी पैचेस, मतलब ये पॉलिसी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी Xiaomi के इस न्यू पॉलिसी अपडेट में। तो काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर MI सीरीज में ये पॉलिसी देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन फिलहाल के लिए प्रीमियम सीरीज में ही देखने के लिए मिलता है। अब पता नहीं बाकी डिवाइस में कब मिलेगा, कोई ऐसी नई पॉलिसी निकल के आएगी या फिर नहीं, वो Xiaomi के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोई डिटेल निकल के आई मैं आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर करता रहूंगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पर अब बात करेंगे MIUI 12.5 इनहेंस एडिशन अपडेट के बग्स के बारे में, कुछ इश्यूज मिले, कुछ प्रॉब्लम्स मिले हैं तो उसके ट्रैकर के बारे में, कौन सा डिवाइस है, कौन सा बग्स देखने को मिला न्यू अपडेट के बाद, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे डिवाइस जिनको इंडिया में भी MIUI 12.5 के इनहेंस वर्जन अपडेट मिले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर डिवाइस की बात करूँ तो MI 11X है जो पोको F3 के नाम से देखने के लिए मिलता है। बिल्ड नंबर की बात करूँ तो MIUI 12.5.3.0 का बिल्ड नंबर है। यहाँ पर ये इशू देखने को मिलता था रैंडम रिबूट्स, ऑटोमेटिकली फोन रिस्टार्ट हो रहा था, इस टाइप का रिबूट्स हो रहा था, इस टाइप का इशू देखने के लिए मिलता था। फिलहाल के लिए उसको फिक्स कर दिया गया, बट आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना जिनके पास MI 11X का डिवाइस है, क्या आप लोगों को इस अपडेट के बाद, इस बिल्ड नंबर के बाद आप लोगों को इशू अभी भी देखने के लिए मिल रहा है या फिर कोई और इशू है तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। इसके अलावा MI 11X में अगेन एक और न्यू अपडेट देखने मिला, ग्रीन टिंट एंड ब्लैक क्रश डिस्प्ले इशू। जी हाँ, यहाँ पर ये इशू अभी भी देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पर प्रेसिस MIUI 12.5, मतलब इस पर अभी भी काम चल रहा है, बहुत ही जल्द इसको फिक्स कर देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग बता सकते हो क्या इशू देखने, क्या ये इशू आपके डिवाइस में है या फिर नहीं। इसके अलावा MI 11X अगेन गाइज उसी डिवाइस में और एक इशू देखने के लिए मिला है, यहाँ पर ओवरहीटिंग एंड स्लो चार्जिंग का इशू, मतलब यहाँ पर ये जो बिल्ड नंबर है MIUI 12.5.3.0 इस अपडेट के बाद ओवरहीटिंग एंड चार्जिंग इशू अब देखने के लिए मिला है। फिलहाल के लिए अपडेट रिपोर्ट कर दिया गया, बहुत ही जल्द इसके लिए एक न्यू अपडेट देखने मिलेगा। अभी यहाँ पर इसके डेवलपर काम करेंगे और इसको फिक्स करके बहुत ही जल्द एक न्यू अपडेट में आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके लिए अभी आप लोगों को और ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है, एक न्यू अपडेट का वेट करना पड़ सकता है। इसके अलावा पोको X3 Pro की बात करूँ तो पोको X3 Pro में MIUI 12.5 का अपडेट जो मिला था MIUI 12.5.1.0, उसमें घोस्ट स्क्रीन का इशू देखने के लिए मिला। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया पोको X3 Pro में और पोको X3 NFC में ये इशू देखने को मिला, टच का इशू देखने को मिला, घोस्ट स्क्रीन का इशू देखने के लिए मिला है। और यहाँ पर लिखा ऑप्टिमाइजिंग कमिंग सून, मतलब यहाँ पर इसको ऑप्टिमाइज किया जा रहा है और बहुत ही जल्द एक न्यू अपडेट आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, उसमें यहाँ पर ये फिक्स होकर देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो भी नेक्स्ट अपडेट होगा उसमें डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा, उसके लिए आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट का वेट कर लेना है। इसके अलावा MI 10 में भी एक इशू देखने के लिए मिला है MIUI 12.5.5 का, ये बिल्ड नंबर देखने मिलता है MI 10 में और यहाँ पर उसमें ये इशू देखने मिला है फिंगरप्रिंट एनिमेशन बग। जी हाँ, ये इशू यहाँ पर देखने के लिए मिला है। फिलहाल के लिए इसको फिक्स तो कर दिया, बट आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्या इशू मिलता था, अगर मिला है तो क्या ये फिक्स हुआ है या फिर नहीं। तो गाइस यहाँ पर आज की इस वीडियो में जो भी न्यूज़ थी वो मैंने आप लोग को बता दी, तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आप लोग आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर लेना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए लाइक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नीचे लाल बटन उसको प्रेस करना है, फ्री में होता है, बेल आइकन प्रेस कर देना नोटिफिकेशन पाने के लिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में।